खबर है जनपद रायबरेली से। जी हां, आपको बता दें कि यूं तो कहा ही जाता है कि जो भी सरकारी कार्य होता है उसमें हमेशा लगभग बंदरबांट होता रहता है। कम लागत में घटिया सामग्री से निर्माण कराया जाता है और जल्द ही टूटकर बिखर जाता है और शासन द्वारा अच्छा खासा पैसा पास करा लिया जाता है। जो कि इस तरीके की तस्वीर अगर आपको देखना है तो ऊंचा हार विकास खंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत सवैयारा से आना होगा, जहां की गलियां भ्रष्टाचार की कहानियां बयां कर रही हैं। यहां की जनता ने पंचायत चुनाव में नया प्रधान चुना है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। विकास का पहिया पूरी तरीके से रुका हुआ है। इसी ग्राम सभा की सवैया तिराहा लखनऊ प्रयागराज हाईवे से चांदन कपूरवा सहित दर्जनों गांवों को जोड़ने वाले खड़ंजा मार्ग में चांदन कपूरवा गांव के मंदिर के पास पिछले लगभग 6 महीने से खड़ंजा के बीच स्थित पुलिया दो जगहों पर टूटी हुई है। वहीं ग्रामीणों ने कई बार इसकी शिकायत ग्राम प्रधान से की है, परंतु 6 महीने बीत चुके हैं, आज तक इसकी स्थिति जस की तस बनी हुई है। यहां पर आए दिन दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। इसको लेकर ग्रामीणों ने टूटी पुलिया के चारों तरफ ईंट की दीवार लगा दी है, परंतु पुलिया खड़ंजा के बीचों बीच होने के कारण रात्रि में लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इसी संपर्क मार्ग से करीब दर्जनों गाँव के लोगों का आना जाना बना रहता है। जी आपको बता दें कि वहीं ग्राम प्रधान का कार्य देखने वाले प्रधान पति चंद्रिका लोधी ने कहा कि अभी पक्के का काम कोई एस्टीमेंट नहीं है, जब एस्टीमेंट होगा तभी वहां पर निर्माण संभव हो पाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि यह बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि 6 महीने से पुलिया टूटी हुई है, अभी तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई है। इंडिया 24x7 लाइव टीवी के लिए राम सुमेर की रिपोर्ट। क्या नाम है? रोहित तिवारी सर। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे ग्राम सोया राजा चांदन गुरवा। क्या समस्या है यहाँ पे? ये समस्या सर, ये यहाँ गड्ढा है, यहाँ प्रतिदिन 2-3 बाइक वाले गिरते हैं सर। ये प्रधान से कंप्लेंट किया गया है सर, प्रधान नहीं से देख रहे हैं सर, और क्यों गिरते हैं। हम लोगों ने ईंट लगवाई है, इसी तरह हो रहा है सर, कम से कम 8 महीने हो रहे हैं। अच्छा, प्रधान से कंप्लेन की लेकिन इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, तो यहाँ पर दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती होगी ना यहाँ पे? जी सर, रोज होती रहती है, कम से कम सर 1-2 बाइक वाले रोज गिरते हैं। अच्छा अच्छा, तो आपने यहाँ पे ईंट लगवा दी? जी सर, हम लोगों ने सिर्फ सुरक्षा के लिए लगवाए कि द्वारा कोई दूर से देखे गिरे ना। क्या नाम है? हमारा नाम चंद्रिका प्रसाद मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं? पूरे चांदनपुरवा। क्या समस्या है यहाँ पे? समस्या ये सीवर टूटा है। कब से टूटा है? अरे कम से कम 8 महीना हो गया। 8 महीने से 20 सड़क का है ना? 20 सड़क का है। अच्छा अच्छा, कोई मतलब ही नहीं रखना चाहता है। अच्छा अच्छा, कोई शिकायत उकायत की गई यहाँ से? शिकायत मान लो गाँव के बहुत लोग करे यहाँ है, लेकिन कोई कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। तो यहाँ पे तो आए दिन दुर्घटनाएं होती होंगी ना यहाँ पे? अरे मोटरसाइकिल वाले गिरत पड़त रहा, क्या करा जाए, उठा दे जाते जी। अच्छा अच्छा, यहाँ पे ईंट लगाई गई है बचाव के लिए? ईंट लगाई गई? हाँ, बचाव के लिए तो ईंट लगाई जाती है। अच्छा अच्छा।